श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या का नवनिर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। शहर की पार्श्व गायिका सुजाता शर्मा ने प्रभु श्री राम को लेकर एक भजन तैयार किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण समारोह को लेकर देश भर के प्रभु श्री राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खुशी में शहर की पार्श्व गायिका सुजाता शर्मा ने घर आए श्री राम, अवध आए श्री राम वीडियो भजन तैयार किया है। देखो सरयू नाचे, देखो नैया नाचे, लहरें भी करती प्रणाम, हाँ लहरें भी करती प्रणाम, अवध आए प्रभु राम, घर आए श्री राम। सी न्यूज की टीम से रूबरू होते हुए सुजाता शर्मा ने कहा कि जब श्री राम मंदिर बन रहा था तभी उनके मन में आया क्यों ना भगवान श्री राम का एक भजन तैयार किया जाए। इसके बाद उन्होंने इस भजन को तैयार किया। यही अंदर से भाव निकल रहे हैं कि प्रभु का मंदिर बन गया है, जिससे कब से हम सनातनी तरस रहे थे अयोध्या के लिए। जैसे कि वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण की गलियों में राधे राधे होती है और कृष्णा कृष्णा होती है, लेकिन अयोध्या में कब से वो खंडित पड़ा हुआ था, बिल्कुल बंजर हो रखा था, आज फिर से वो मंदिर खड़ा हो गया है। फिर से वो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 22 तारीख को। मैं प्रभु श्री राम से बस ये कहूँगी, प्रभु हम सनातनी पे ऐसे ही आशीर्वाद अपना बरसाए रखें। सुजाता शर्मा के भजन घर आए श्री राम, अवध आए श्री राम भजन को लेकर फिल्म निर्माता रंजीत सामा ने कहा कि कुछ दिन पहले सुजाता उनके पास आई थी, तब उन्होंने इस भजन को बनाने के लिए उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस भजन पर काम करने को कहा। देखिए, ये मेरी आर ए मूवीज की प्लेबैक सिंगर है, ये खुद मेरे पास चलकर आई कि सर मैं प्रभु राम के ऊपर कोई गीत गाना चाहती हूँ, क्या आपका आशीर्वाद है? मैंने कहा जिसने प्रभु सबको आशीर्वाद देते हैं, मैं कौन होता हूँ देने वाला। तो उन्होंने एक जो गीत दो तीन किए हैं, लेकिन एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगा है अवध में आए अभिराम, इसमें भाव सुजाता जी के अपने हैं, लेकिन ऐसा लगता है हर सनातनी के भाव इस गाने के अंदर उन्होंने परो दिए हैं। नव अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर हिंदुवादियों के साथ मुस्लिम समाज के लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। श्री राम मंदिर को लेकर डॉक्टर राहत ने कहा कि प्रभु श्री राम एक कुशल मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन काफी सादगी के साथ जिया और संस्कृति को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है श्री राम ने। मैं मुस्लिम, मुझे ऐसा मानना है कि हाँ, और संस्कृति में देखा जाए तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट राम जी ने सिखाई, अच्छा गुरु क्या होता है वो राम जी ने सिखाया, अच्छा शिष्य कैसा होता है वो राम जी ने सिखाया, अच्छा पति कैसा होता है वो राम जी ने सिखाया। और ऐसे पुरुष का अगर मंदिर बन रहा है हमारे लिए महापुरुष, संस्कृति भगवान वही होता है ना, हम पेरेंट्स को भगवान मानते हैं, तो पेरेंट्स को जब हम भगवान मानते हैं तो राम ने भी तो वही किया। मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है श्री राम को, हर चीज़ को पर्टिकुलरली मैनेज किया उन्होंने बहुत अच्छे से। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला दरबार की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर से भक्त अयोध्या में उपहार भेज रहे हैं। हर राम भक्त को 22 जनवरी का इंतजार है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।